रतन लाल वो व्यक्ति है जो उनकी विचारधारा पर करारा प्रहार करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि आप जिस बात को स्थापित करने के लिए तुले हुए हैं उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई साइंटिफिक उसका कोई रीजन नहीं है। लेकिन वही अगर आप निपुण शर्मा की बात करूँ तो वो लगातार हिंदू राज की बात करती है, हिंदू को स्थापित करने की बात करती है और जो पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय है उसको टारगेट करती है और जिस तरह से पैगंबर को लेकर टिप्पणी की, ये पहली बार की गिरफ्तारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रोफेसर रतनलाल ने छोटी सी स्टेटमेंट दी, इनकी भावनाएं आहत हो गई और इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ गया कि 24 घंटे के अंदर प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी करा दी। लेकिन जिस तरह से निपुण शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी है, अब तक सारी गोदी मीडिया चुप बैठी है, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है, हिंदू विश्व परिषद या मैं कहूँ RSS जितने भी इनके संगठन है वो सारे खामोश बैठे। पैगंबर पर जो विवाद टिप्पणी दी थी उसको लेकर लगातार कई राज्यों में हिंसा हो रही है, लगातार कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए ये हिंसा पहली बार नहीं हुई है। अगर मैं निपुण शर्मा की बात करूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रवक्ता नहीं है जिसने इस तरह की स्टेटमेंट दी। अक्सर हम देखते हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, चाहे मैं संबित पात्रा की बात करूँ या इनकी बात करूँ या अन्य जितने भी प्रवक्ता है, आप देखेंगे कि ये जो भी काम करते हैं, जिस आधार पर करते हैं या जो भी स्टेटमेंट आती है इनकी, कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर एक विशेष सांप्रदायिकता को टारगेट करते हैं और उसको टारगेट करते हुए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी अक्सर कहा है कई बार कि इन लोगों का काम है इस समाज को एक टारगेट देना और वो देखते हैं कि जिस तरह से निपुण शर्मा की जो बाइट आई, जिस तरह से उन्होंने पैगंबर को लेकर स्टेटमेंट दी और अगले ही दिन देखते हैं हम कानपुर में इतनी बड़ी हिंसा होती है और जो हिंसा होती है उससे कितना बड़ा बवाल मचता है। और बवाल ही नहीं मचता है, हमने देखा कि जो भारत का सामान था जो यहां से निर्यात होता था उसका बहिष्कार किया और बहिष्कार छोटे मोटे स्तर पर नहीं किया, आपने देखा कि लोगों ने मॉल से बाहर निकालकर सामान को जलाने का काम किया। उसके साथ साथ में जो भी मॉल में या बड़े बड़े शोरूम थे उसमें जितना भी भारत से जो सामान निर्यात होकर वहां गया था उसको पोलोथीन से ढकने का काम किया गया, उसको जलाने का काम किया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर एक उपाला है। अगर मैं जन भावनाओं की बात करूँ, जिस तरह से एक भावना वाला मुद्दा है, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो एक मुद्दा छिड़ा कि पर्टिकुलर दो समाज, दो वर्ग के लोग निकल कर आते हैं, दो सांप्रदायिकता की बात होती है, एक कहते हैं कि ये फव्वारा है, दूसरा कहता है ये शिवलिंग है। लेकिन जब वो विवाद इतना गहरा है और कुछ बुद्धिजीवी लोग निकल कर आते हैं और उसमें साफ साफ स्टेटमेंट देते हैं कि भाई जिस तरह से हम वैज्ञानिक आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, तो उन्होंने कहा ना तो ये फवारा है और ना ही शिवलिंग है। सरकार को सफाई देनी पड़ रही है, जितनी भी खाड़ी कंट्रियां हैं देश में। देखिए सरकार को सफाई देनी पड़ रही है, सरकार देगी सफाई, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा कि सरकार की आखिर मानसिकता क्या है। और जिस तरह से अगर मैं गोदी मीडिया की बात करूँ तो गोदी मीडिया ने एक बार सरकार से यह नहीं पूछा कि आखिर जो निपुण शर्मा है वो उसने गलत क्या किया है। भाई जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही तो काम कर रही है ना, वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। देखिए वो तो कहेंगे ही, अभी जिस तरह से मैं पार्टी से भी निकाल दिया उनको, पार्टी से निकालेंगे लेकिन फिर पार्टी के अंदर ले आएंगे, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। एक तरफ तो पार्टी से निकाल रहे लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उसके सामाजिक संगठन है, RSS की अगर मैं बात करूँ या हिंदू विश्व परिषद की बात करूँ या दुर्गा वाहिनी की बात करूँ, ये सारे संगठन तो निपुण शर्मा के समर्थन में खड़े हैं, तो बताइए कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। दूसरी तरफ मोदी जी को भी आप देख रहे हैं लगातार उनके समर्थन में खड़े, अमित शाह जी उनके समर्थन में खड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनके समर्थन में खड़े। तो ये तो सिर्फ को दिखाने वाली बात है कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। अगर रतनलाल कोई बयान देते हैं तो उन्हें जेल हो जाती है, उन्हें गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन निपुण शर्मा की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। देखिए जो निपुण शर्मा है वो उनकी विचारधारा की व्यक्ति है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली व्यक्ति है। लेकिन अगर यहीं पर मैं प्रोफेसर रतनलाल की बात करूँ तो प्रोफेसर रतनलाल वो व्यक्ति है जो उनकी विचारधारा पर करारा प्रहार करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि आप जिस बात को स्थापित करने के लिए तुले हुए हैं उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई साइंटिफिक उसका कोई रीजन नहीं है। लेकिन वही अगर आप निपुण शर्मा की बात करूँ तो वो लगातार हिंदू राज की बात करती है, हिंदू को स्थापित करने की बात करती है और जो पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय है उसको टारगेट करती है और जिस तरह से पैगंबर को लेकर टिप्पणी की, ये पहली बार नहीं हुआ है। आपने NRC के मुद्दे में भी देखा कि किस तरह से पूरे भारत देश में बवाल मचा और किस तरह से जब कोरोना पीरियड आया तो उस मुद्दे को दबा दिया गया और लगातार जिस तरह से हिंदू मुस्लिम या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग की जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि
आखिर सरकार में बैठे हुए लोग या जितने भी इनके प्रवक्ता है, चाहे जो लोग डिबेट कराते हैं, खासकर मैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहूँगी गोदी मीडिया की बात करूँ, वो वही बोलती है जो सरकार चाहती है, जो मोदी जी चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहते हैं, वो उन्हीं मुद्दों पर डिबेट करते हैं। लेकिन अगर आज मैं वर्तमान की बात करूँ तो आज संविधान के मार्फत अगर हम देखें, आज व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या भारत में लोगों को शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिलना चाहिए, क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल मिलना चाहिए, उन चीज़ों पर कभी भी डिबेट नहीं होती है। डिबेट जो होती है धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर होती नजर आती, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर धर्म है क्या, क्योंकि लगातार ये लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म का अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो धर्म को इन लोगों ने समझा ही नहीं है, वो भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। मैंने कहा ना कि जब सांप्रदायिकता की बात आती है तो स्वाभाविक सी बात है टकराव होगा, और टकराव होगा तो वहाँ पर लाठियाचार्ज भी होंगी, सर भी फूटेंगे, खून भी बहेगा, और कोर्ट कचहरी भी होगी और जेल थाने भी होंगे। लेकिन जब धर्म की बात होगी तो धर्म आपको अनुशासन में रहना सिखाएगा, आपको सभ्यता सिखाएगा, आपके आचरण में जो एक अच्छा आचरण है उसको ग्रहण करने के लिए प्रेरणा देगा, एक सीख देगा। लेकिन वो धर्म से हम सीखेंगे नहीं, हम सांप्रदायिकता से सीख रहे हैं और सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं जिस प्रकार आंदोलन हो रहा है देश भर में कि निपुण शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, खासकर जो मुसलमान कर रहे हैं, जो धर्म गुरु हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इनको सोच लीजिए विदेशों में देश की बेइज्जती तो हमारी भी हो रही ना, हैं तो सब भारतीय ना हम लोग। देखिए देश की जो बेइज्जती हो रही है और जो मांग उठ रही है विदेशों से कि भारत को माफी मांगनी चाहिए, अगर मैं बात करूं आज भारतीय जनता पार्टी या जितने भी इनके संगठन हैं, उन्होंने भारत किसको बना रखा है? अगर लोग बात करते हैं कि मोदी जी सब कुछ हैं, आज पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं कि मोदी को ही पूरा भारत लोगों ने बना दिया है, तो यहाँ पर भारत को नहीं बल्कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी ये समस्या घट रही है, ये जिस तरह की स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी की सह पर और इनके जो आला कलाम बैठे हैं, चाहे मैं RSS की बात करूँ या इनके जितने भी संगठन हैं उनकी बात करूँ, उनकी सह पर दे रहे हैं, तो मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। बिना परमिशन के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, फिर हिंसा हो जाती है, देखिए परमिशन नहीं होती है। आपने परमिशन की बात करी, जितने भी हिंदुओं का जिस तरह से कावड़ यात्राएं निकलते हैं, कौन सी परमिशन ली जाती है? कुंभ के मेले में जो लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं, कोविड की गाइडलाइन, तो मैं बिल्कुल कोविड की गाइडलाइन फॉलो थी कि भाई कहीं भी मतलब 100 या 50 लोगों से व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो, यहाँ तक कि जब शादी विवाह हो रहा था तो उसमें भी 50 लोगों को परमिशन दी गई थी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि कुंभ के मेले में लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं, तो तब परमिशन कहाँ चली जाती? जब इनके संस्कृति से जुड़े हुए, इनके धर्म से जुड़े हुए या हिंदू परंपराओं से जुड़े हुए जितने भी तीज त्यौहार आते हैं, वहाँ पर कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता। ये प्रोटोकॉल चाहे तो दलित समाज पे या मैं कहूंगी मुस्लिम समाज पे, इन लोगों को ही टारगेट करके किया जाता है। तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये सरकार क्या चाहती है, ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है और किस दिशा में ये काम कर रहे हैं। देश भर में हिंसा हो रही है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे बीजेपी? देखिए वो गिरफ्तारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रोफेसर रतनलाल ने छोटी सी स्टेटमेंट दी, इनकी भावनाएं आहत हो गई और इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ गया कि 24 घंटे के अंदर प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी करा दी। लेकिन जिस तरह से निपुण शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी है, अब तक सारी गोदी मीडिया चुप बैठी है, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है, हिंदू विश्व परिषद या मैं कहूँ RSS जितने भी इनके संगठन है वो सारे खामोश बैठे हैं। और एक तरफ अभी मैं कल देख रही थी निपुण शर्मा जिस तरह से एक स्टेटमेंट दे रही थी कि जो भी मैं क्लिपिंग दिखाई है वो एडिट करके दिखाई है, वो दावा कर रही है कि जो भी दिखाया गया एडिट दिखाया गया और जिस व्यक्ति ने उसको दिखाया गया है मैं उस पर मानहानि का भी केस करूंगी और मेरे को जो विदेशों से या भारत से जान से मारने की धमकियां मिल रही है, सामूहिक रूप से मेरे साथ में बलात्कार करने की धमकियां मिल रही है, उसने साफ साफ कहा है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके लिए मैं उस चैनल को, उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराऊंगी जिसने की मेरी वीडियो को क्लिपिंग को एडिट करके दिखाने का काम किया। लेकिन उसने स्पष्ट बिल्कुल ये नहीं किया कि उसने क्या एडिट किया, क्या दिखाया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ये दावा भी करते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब पत्रकार या मीडिया बंधु जो कि निष्पक्ष रूप से काम करते हैं इनसे पूछते हैं तो इनके सवालों का बिल्कुल भी जवाब देते नजर नहीं आते। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। देखिए स्थिति बिल्कुल खराब होती जा रही है, हम देख रहे हैं। पुलिस गोलियां चलाएंगी, पुलिस गोलियां इनकी शह पे चलाएंगी। आपने 2 अप्रैल का आंदोलन देखा, तब भी गोलियां चली, तब भी लोग मारे गए। लेकिन ये प्रशासन या शासन जिस तरह से काम करता है इसको भी हमें बड़ी बारीकी से सोचना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि बहुजन समाज का कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर इस तरह की स्टेटमेंट देता है और उसकी जो स्टेटमेंट आती है वो तथ्य के आधार पर होती है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मापदंड पर खरी उतर कर होती है। लेकिन वही इस तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है ऊट पटांग टिप्पणियां करते, ऊट पटांग स्टेटमेंट देते, लेकिन इनके ऊपर तो प्रशासन की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें खुले लगाम छोड़ दिया जाता है कि आज आपने एक स्टेटमेंट दिया कल को 2 और दीजिए।